चलिए तो बात करते हैं सिकोर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कुर्सी का लागत मूल्य एक मेज के लागत मूल्य से 25% कम है। एक व्यक्ति 7 मेजों के लागत मूल्य पर 5 कुर्सियां बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा यहाँ पर कि जो टेबल और जो चेयर है वो कह रहा है चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है यानी लागत मूल्य है वो टेबल से कितना 25% कम है। अगर इसका लागत मूल्य 100 रुपये है तो इसका 25% निकाल के माइनस करूंगा तो इसका लागत मूल्य 25 हो जाएगा। तो 25 × 75 होगा, 25 × 100 यानी कि एक टेबल की जो कीमत होगी वो कितनी होगी मेरे पास में आपके 4 रुपये और चेयर की कीमत कितनी होगी आपके 3 रुपये। फिर एग्जामिनर ने मुझसे क्या कहा, मुझसे कहा कि भाई उसने सात मेज की लागत मूल्य यानी कि टेबल को अगर 7 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 × 28 टोटल अमाउंट जो उससे मिलेगा वो 28 मिलेगा। और जो चेयर है वो चेयर कितनी है 5, एक चेयर की कीमत 3 रुपये है तो 5 चेयर कितनी 15 रुपये। फिर उसने कहा है सात टेबल का लागत मूल्य यानी कि 28 का CP बराबर में होगा आपका 15 चेयर का SP के बराबर होगा। ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा है, क्या कहा है इसकी 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो इसका मेरे पास 15 रुपये होगा, इसका कितना होगा मेरे पास 28 रुपये होगा। तो CP अपोन में अगर मैं SP करूंगा तो मेरे पास जो सामने वैल्यू बचेगी वो 15 और ये मेरे पास में बचेगी आपके 28 यानी कि 15 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 28 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में आपका 13 बटे में कितना हो जाएगा आपका 15 इनटू में क्या करेंगे आपका 100 तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10 यानी कि 13 × 2 = 26 यानी कि 260 बटे में आपका 3। तो सोल्व करूंगा इसे मैं आपका 260 ये 8 × 24 होता है 3 × 8 = 24 2 और 3 × 8 = 24 और 3 × 6 = 18 2 बचेगा पॉइंट लगाएगा 0 हो जाएगा 3 × 6 = 18 यानी 86.66 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।